हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास टेंथ एन मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो क्योंकि इस चैप्टर की कुल मिला के सिक्स एक्सरसाइजेज हैं थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू एंड सोन अप टू थ्री पॉइंट सिक्स तो इट हैज अ गुड वेटेज ऑल्सो तो इसमें से पेपर भी आपको अच्छा खासा आ जाना है अगर आपका सी बोर्ड का 80 मार्क्स का मैथ का पेपर है तो आपको करीबन यहाँ से 8 टू 10 मार्क्स का जो पेपर है यानी अराउंड 10 परसेंट जो पेपर है वो आपको थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से ही मिल जाएगा स्टूडेंट्स और सेकेंडली ये जो चैप्टर है दूसरे एंगल से भी बहुत काम का है क्योंकि जो आपने आगे कुछ चैप्टर करने हैं जैसे कोआर्डिनेट मैट्री है या कुछ एक और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री है तो वहाँ पे जहाँ कहीं इक्वेशन सॉल्विंग सिचुएशन होती है जहाँ कहीं इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उस लिहाज से भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इक्वेशन सॉल्विंग अप्रोच जो है वो आप सीखोगे तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हमने करना क्या है और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज थ्री के जो तीन क्वेश्चन हैं वो आपको करवाने वाला हूँ तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन येस स्टूडेंट्स तो नाउ लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर तो इसमें सबसे पहली टर्म है मेरे पास जनरल फॉर्म तो जनरल फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ई वन इक्वल टू जीरो एन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस ई टू इक्वल टू जीरो तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ वर्ड इक्वेशन को तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वेर एवर यू आर हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू तो जहाँ कहीं भी आपके पास इक्वल टू का साइन अवेलेबल हो तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे इक्वेशन जैसे यहाँ पर भी इक्वल टू है और यहाँ पर भी क्या है इक्वल टू नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएबल्स तो देखिए स्टूडेंट आपको चैप्टर टू फॉरिनोमस की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं वेरिएबल की पहचान क्या होती है जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको आपने वेरिएबल कंसीडर नहीं करना तो आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं और वो कौन कौन से हैं एक्स और वाई नेक्स्ट है मेरे पास वर्ड पेयर तो पेयर का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ टू ठीक है जी तो हमारे पास यहाँ पे कितनी इक्वेशंस हैं वी हैव ओनली टू इक्वेशंस तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं हम पेयर और लास्ट है आपके पास लीनियर तो लीनियर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको सेकंड चैप्टर पोलिनॉमिक्स में बताया था कि जहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है वन और वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे दो ही हैं एक्स और वाई और इनकी मैक्सिमम पावर्स आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स और वाई की कोई भी पावर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट इनकी पावर्स क्या हैं वन वन तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज़ वन यानी कि डिग्री इसकी वन है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं लीनियर तो पेयर क्योंकि आप, आपके पास दो इक्वेशंस हैं ऑफ़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो ये है आपका चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो इसी के साथ यहाँ पे एक एग्जांपल देखो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो सो हेयर आई हैव टेकन टू इक्वेशंस अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देखो आपके पास वेरिएबल कौन सा है दोनों में एक्स और वाई तो so, वेरिएबल्स हमारे पास दो ही हैं एक्स और वाई साथ में आपने इसको अगर जनरल फॉर्म से अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉन्फिशेंट क्या है टू यहाँ पे x का कॉफिशेंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है ए वन तो मतलब ए वन की वैल्यू क्या हो गई टू सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशियंट क्या है ए टू और यहाँ पर x का कॉफिशियंट क्या है फाइव तो ए टू की वैल्यू क्या हो गई फाइव सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशियंट बी वन और यहाँ पे थ्री तो बी वन की वैल्यू थ्री हो गई और सिमिलरली बी टू की वैल्यू माइनस फोर तो आपने साइन साथ में कैरी करना है इफ़ इट इज नेगेटिव देन यू नो पुट द नेगेटिव साइन इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन बाय डिफॉल्ट देर इज़ नो नीड टू पुट द साइन सी वन की वैल्यू माइनस सेवन है और सी टू की वैल्यू क्या है एट अब देखिए स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है हमारा मेन मोटिव यही है कि वी वॉन्ट टू फाइंड वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हमने किसी ना किसी तरह से एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट uh, करनी है कि एक्स और वाई जो है वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा अब देखो अगर तो हम बात करें इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पर आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो सॉल्व टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन तो ये मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ले ली तो यहाँ से अगर आपने इसको सॉल्व करना हो तो आपने कुछ नहीं करना सिर्फ आपने वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट करने हैं टू एक्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है तो एक्स को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ इट मस्ट बिकम नेगेटिव सेवन आपका राइट साइड पर है और थ्री राइट साइड पर अगर आप शिफ्ट कर दो इट वल बिकम नेगेटिव तो ये आपका बन गया टू एक्स माइनस एक्स सिम्पली एक्स और यहाँ पे सेवन माइनस थ्री यह क्या बन रहा है फोर तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सिंपली आपके पास आ रही है क्योंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में रूल क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी टर्म राइट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर रहे हो अगर यहाँ पे वो पॉजिटिव है तो उधर जाके वो क्या होगी नेगेटिव अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगी पॉजिटिव अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या होगी डिवाइड और अगर वो इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई तो सेकेंडली हमारी कोशिश होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारे वेरिएबल रखने हैं जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो सब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं और जितने भी कांस्टेंट्स हैं जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपने कहाँ पे शिफ्ट करने हैं राइट साइड पे तो देखिए स्टूडेंट ये तो वन वेरिएबल की प्रॉब्लम थी अब इस चैप्टर में हमने काम करना है टू वेरिएबल का तो ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं जो हमारा मोटिव है ये कैसे अचीव होगा इट कैन बी अचीव्ड बाई टू वेज तो हमारे पास ब्रॉडली अगर बात करें तो दो मैथड है तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बता रहा हूं टू सी वी आर हैविंग टू मैथड तो सबसे पहला जो हमारा मैथड है वो होता है ग्राफिकल मैथड और सेकेंड मैथड जो है वह हमारा होता है एल्जेब्रिक मैथड तो देखिए स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है ग्राफिकल मैथड क्या होगा जिसमें आप क्या बनाओगे इन विच वी ड्रॉ अ ग्राफ तो जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है हालाँकि कुछ बेसिक्स आपने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है और एल्जेब्रिक मैथड में हमारे पास आगे तीन मैथड होते हैं नंबर वन वी हैव सब्सटीट्यूशन मैथड हाँ जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड आपके पास है एलिमिनेशन मैथड एंड थर्ड वी हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड तो ये कुल मिला के आपके पास फोर मेथड्स हो गए तीन एल्जेब्रिक और एक ग्राफिकल मेथड तो ये इस पूरे चैप्टर में हमारा यही काम होगा हर एक क्वेश्चन में हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वही कैलकुलेट करनी है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये क्वेश्चन में बोला होगा कि ग्राफिकल से सॉल्व करना है सब्सटीट्यूशन से एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो वी आर फ्री टू यूज़ एनी मेथड विद विच वी आर कंफर्टेबल तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट स्टूडेंट्स नाउ सी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट देखो क्या है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर सेवन ईयर्स अगो आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी इज दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट दिस सिचुएशन एल्ज्रिकली एंड ग्राफिकली तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्वेश्चन को बहुत ही स्लोली रीड करना है वंस यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट इट मैथेमेटिकली तो आप बहुत ही आसानी से उसको मैथेमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हो एंड दिस इज द मेन टास्क विच वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर तो यही मेन काम होगा हमारा इस पूरे चैप्टर में कि हमने स्टेटमेंट को मैथेमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड दैट्स इट तो यहाँ पे एल्जेब्रिकली इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली जो ग्राफ वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा तो यहाँ पर हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे यहाँ पर हम सिर्फ एल्ज्रिकली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपने सॉल्व नहीं करना अभी सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन नंबर वन तो सबसे पहले आपने क्या करना है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर तो देखिए स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में आपके पास दो एट्रीब्यूट होंगे जैसे यहाँ पर दो करेक्टर्स हैं हमारे पास एक आफ्ताब और एक डॉटर और बात हो रही है उनके एजिस की तो आप सबसे पहले क्या करो लेट एज ऑफ आफ्ताब तो आप आफ्ताब की जो एज है वो लेट कर लो एक्स इयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर उसके डॉटर की एज हमने क्या लेट कर लेनी है वाई तो लेट इट बी वाई ईयर्स अब क्वेश्चन है सेवन ईयर्स अगो तो आप हेडिंग लगाओ सेवन ईयर्स अगो अब देखो सात साल पहले दोनों की जो एजेस हैं वो क्या होंगी एज ऑफ आफ्ताब तो ऑब्वियसली अगर आफ्ताब की एज अभी फोर्टी ईयर्स हो मान लो तो सेवन ईयर्स पहले क्या होगी सेवन ईयर्स पहले क्या थी तो दैट वॉज फोर्टी माइनस सेवन यानी थर्टी थ्री ईयर्स यानी सेवन माइनस कर देना आपने तो आफ्ताब आप की एज क्या होगी एक्स माइनस सेवन ईयर्स सिमिलरली एज ऑफ डॉटर तो डॉटर की जो एज है वो फ़िलहाल जो प्रेजेंट एज है वो है वाई ईयर्स तो सेवन ईयर्स अगो क्या थी ये थी वाई माइनस सेवन ईयर्स तो यहाँ पे कंडीशन आपने क्या बनानी है कि सेवन इयर्स अगो आफ्ताब अपने डेटर डॉटर को जो है वो क्या बता रहा है कि आई वाज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ठीक है जी कि आफ्ताब की जो एज है ये ऐज होगी आफ्ताब की ये ऐज होगी उसकी डॉटर की तो एज ऑफ आफ्ताब इज़ सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ठीक है जी तो उसके डॉटर की जो एज है उसका क्या होगा सेवन टाइम्स इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर दो ये बनेगा एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन वाई एंड सेवन इंटू सेवन ये बन गया फोटी नाइन तो आपने सारा कुछ लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है ये बन जाएगा एक्स माइनस सेवन माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा एक्स माइनस सेवन वाई और फोर्टी नाइन माइनस सेवन तो ये बन गया प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो देखिए स्टूडेंट आपने जो आंसर है वो आपने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में तो जनरल फॉर्म क्या थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ई वन इक्वल टू ज़ीरो पहले एक्स वाली टर्म लिखेंगे फिर वाई वाली टर्म लिखेंगे और फिर हमने क्या लिखनी है कॉन्स्टेंट टर्म हाँ जी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट ऑल्सो थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ ठीक है जी तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर थ्री ईयर्स अब बात हो रही है प्रेजेंट मूवमेंट के साथ अभी दोनों की एजेस क्या हैं एक की एक्स ईयर्स है दूसरे की वाई ईयर्स है तो आफ्टर थ्री ईयर्स क्या होगा एज ऑफ आफ्ताब हाँ जी आफ्ताब की एज तीन साल बाद क्या होगी एक्स प्लस थ्री ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर और डॉटर की एज क्या होगी वाई प्लस थ्री ईयर्स और यहाँ पे बोला कि आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी ठीक है जी मतलब आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर का एज क्या है उसकी डॉटर की एज का क्या है थ्री टाइम्स तो डॉटर की जो एज है उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री अंदर मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा थ्री वाई प्लस थ्री थ्री सा नाइन्थ अब आप पहले एक्स वाली टर्म लिखोगे फिर ये वाई वाली टर्म लिख लो माइनस थ्री वाई प्लस थ्री और ये नाइन इधर आगे माइनस का और इज इक्वल टू जीरो तो अगर आप आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास बनेगा एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसके जो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है देखिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना यहाँ पे अभी हमने एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट नहीं करनी कि आफ्ताब की और डॉटर की एज कितनी कितनी है आपने जस्ट हियर वी आर जस्ट टू रिप्रेजेंटेड तो ये रिप्रेजेंट हो गई ये आपकी फ़र्स्ट इक्वेशन बन गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई इसी को आपने इकट्ठे करके लिख देना है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ आगे तो इसी तरह से यहाँ पर जो इसकी अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बन गई एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू क्या है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज थर्टी नाइन हंड्रेड लेटर शी बायस एन अदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज थर्टीन हंड्रेड रिप्रजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड जोमेट्रिकली तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट किसी क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने सबसे पहले क्या किया तीन बैट्स और सिक्स बॉल्स वो परचेज की थर्टी नाइन हंड्रेड रुपीज़ की और कुछ देर बाद उसने क्या किया शी बायज़ अनदर बैट एक और बैट खरीदा एंड थ्री मोर बॉल्स तीन और बॉल्स खरीदी ऑफ द सेम काइंड उसी टाइप की जैसी पहली खरीदी थी फॉर रुपीज़ थर्टीन हंड्रेड ठीक है जी थर्टीन हंड्रेड रुपीज़ की एक और बैट और तीन और बॉल्स ये परचेज़ किए सेकंड राउंड में तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जोमेट्रिकली तो ज्योमेट्रिकली जो है यहाँ पर तो ग्राफ बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ ग्राफ वाले क्वेश्चन तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन की बिगनिंग कैसे होगी आपने दो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं जैसे यहाँ पर जिक्र हो रहा है बैट और बॉल का तो सबसे पहले आप क्या करो कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट हाँ जी स्टूडेंट्स हर एक जो बैट है उसकी हमने कॉस्ट क्या लेनी है रुपेज एक्स एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हर एक बॉल की आपने कॉस्ट क्या लेनी है रुपीज़ वाई अब जो फर्स्ट कंडीशन है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बाय फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट राउंड में उसने तीन बैट परचेज किए अब देखिए स्टूडेंट एक बैट बैट की जो कॉस्ट है वो क्या है रुपीज़ एक्स ऐसे अगर उसने दो बैट खरीदे होते उसकी कॉस्ट क्या हो जानी थी टू एक्स पर उसने कितने बैट परचेज़ किए थ्री बैट्स तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी थ्री एक्स साथ में एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ वाई ऐसे दो बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी टू वाई सेवन बॉल्स की क्या होगी सेवन वाई यहाँ पे उसने सिक्स बॉल्स परचेज की तो ये बन गया सिक्स वाई और दोनों का टोटल जो उसका बिल है वो कितना बन गया दोनों का टोटल अमाउंट क्या बन गया थर्टी नाइन हंड्रेड तो दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे सिमिलरली बाय सेकेंड कंडीशन हाँ जी सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि शी बायस एन अदर बैट यानी एक बैट और परचेज़ किया और एक बैट की कॉस्ट क्या है एक्स इसी तरह से थ्री मोर बॉल्स हाँ जी एक बॉल कितने की है वाई रुपीज़ की दो बॉल्स कितने की होंगी टू वाई की तो थ्री बॉल्स कितने की होंगी थ्री वाई की और टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है थर्टीन हंड्रेड एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर तो दिस इज द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन यस स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री तो इट इज़ वेरी गुड सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर टू तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है द कॉस्ट ऑफ टू के जी ऑफ एप्पल्स एंड वन के जी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ वन सिक्सटी आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ़ फोर के जी ऑफ एप्पल्स एंड टू के जी ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज थ्री हंड्रेड टू रीप्रजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली तो देखिए स्टूडेंट ये जो जोमेट्रिकली वाला पार्ट है ये तीनों क्वेश्चन का है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ तो वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री अब तो यहाँ पे क्या बात हो रही है द कॉस्ट ऑफ टू के जी ऑफ एप्पल्स तो देखिए स्टूडेंट टू के जी एप्पल्स और वन के जी ग्रेप्स की जो कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर डे पे वो क्या थी रुपीज़ वन सिक्सटी आफ्टर अ मंथ तो कुछ महीने बाद आई I मीन mean, एक ही महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ फोर के जी ऑफ एप्पल्स तो फोर के जी एप्पल्स और टू के जी ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी थ्री हंड्रेड तो अब आपने इसको एल्ज्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है तो बिगनिंग वैसे ही होगी लेट कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ एप्पल्स तो सबसे पहले आप मान के चलो कि वन के जी जो एप्पल्स हैं उसकी कॉस्ट क्या है रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ ग्रेप्स हाँ जी वन के जी ग्रेप्स की आप कॉस्ट क्या ले लो रुपीज़ वाई तो देखिए स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में आपने यही काम करना है आपने सिर्फ दो एट्रीब्यूट जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ डॉटर बन गया सेकेंड में आपके पास बन गया कॉस्ट ऑफ ईच पैट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल और थर्ड में क्या बन रहा है कॉस्ट ऑफ़ वन के जी एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ़ वन के जी ग्रेप्स तो इसको आपने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करना है अब यहाँ पे आप लिखोगे दियर फोर बाय फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसने कितने के जी एप्पल परचेज किए टू के जी तो वन के जी की कॉस्ट एक्स है टू के जी की क्या होगी टू एक्स सिमिलरली वन के जी ग्रेप्स की कॉस्ट वाई है तो यहाँ पर वन के जी ही उसने परचेज किए तो प्लस वाई और टोटल कॉस्ट क्या बन गई वन सिक्सटी सिमिलरली बाय सेकंड कंडीशन हाँ जी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे अगर आप लगाओ तो सेकेंड कंडीशन में क्या है कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ फोर के जी एपल्स हाँ जी वन के जी की कॉस्ट एक्स है तो फोर के जी की क्या होगी फोर एक्स और टू के जी ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी वन के जी की वाई है तो टू के जी की क्या होगी टू वाई और टोटल कॉस्ट क्या बन गई थ्री हंड्रेड तो दे फोर जो इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने इकट्ठे करके लिख देना है तो फाइनल आंसर इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी एंड फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो देखिए स्टूडेंट एग्जाम में कभी भी आपको दोनों जो सिचुएशंस हैं आई मीन एल्जेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों इकट्ठी कभी नहीं आएंगी या तो आपको एल्जैब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा या फिर जोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल यू नो टच द टॉपिक ऑफ ग्राफ दैट हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच